गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि हम चैप्टर में देख रहे हैं वन वेरिएबल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल जो होता है वो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। हर क्वेश्चन में जो है उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए उन्हें वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू 9। एक क्वेश्चन यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ जो होता है, इक्वल टू के जो इस तरफ होता है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल टू के इस तरफ होता है इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ प्लस है, कोई नंबर प्लस है, तो वहाँ जाके वो माइनस हो जाता है। जो यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस, जो इनटू है वहाँ जाके डिवाइड, और जो डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। ओके, वैसे ही रूल्स यहाँ से वहाँ जाने में लगेंगे। जो यहाँ प्लस होगा वहाँ जाके माइनस, जो यहाँ माइनस होगा वहाँ जाके प्लस, जो इनटू होगा वहाँ जाके डिवाइड, और जो डिवाइड होगा वहाँ जाके इनटू। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये टू है यहाँ पे ये प्लस में है, तो प्लस वाली चीज़ वहाँ जाके क्या बनेगी? माइनस। तो एक्स इक्वल टू 9 यहीं पे था, ये प्लस वाला उठ के वहाँ जाएगा तो माइनस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 आ रही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 13। क्लियर? तो जो चीज़ यहाँ माइनस है वहाँ जाके क्या आ जाएगा? प्लस। तो एक्स इक्वल टू 13 प्लस 9, तो एक्स इक्वल टू 13 और 9 कितना हो गया? 22। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 22। तो हर क्वेश्चन में x, y, p, q, r, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, उनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती रहेगी, इसलिए उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, अच्छा, इस चैप्टर से मैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप चाहें तो इन इसमें वीडियो को पॉज करके भी इनको नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक्स माइनस टू इक्वल टू 7। क्लियर? इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस है तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा? प्लस। तो एक्स इक्वल टू 7 प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 7 और 2 9। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो 3 है वो प्लस में है, तो प्लस वाली वहाँ जाके क्या बनेगा? प्लस वाला जो नंबर होगा वहाँ जाके माइनस बन जाएगा। तो वाई इक्वल टू यही 10 भी यहीं रहेगा, ये उठ जाएगा, ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का। तो वाई इक्वल टू 7। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो प्लस में है, तो जो यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 6 माइनस 2, ये 6 अपनी जगह पे है, ये उठा यहाँ से, ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू जेड। तो 6 में से 2 गया तो 4 इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, 3 अपॉन में 7 प्लस एक्स इक्वल टू 17 अपॉन में 7। ठीक है, मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स को मुझे यहाँ पर क्या करना है? अकेला छोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये अकेला छोड़ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 17 अपॉन में 7 यही रहेगा, ये पूरा जो है इसका साइन क्या है यहाँ पे? ये प्लस का है। अगर किसी नंबर के सामने कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे प्लस माना जाता है, तो ये पूरा उठ के यहाँ से प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा।
अच्छा दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 17 में से 3 गया तो 14, 14 अपॉन में 7, तो इसको जो हमारा काट के आ रहा है ये कितना आ रहा है? 2। तो एक्स की वैल्यू आ रही है इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 6x इक्वल टू 12। तो इसमें देखेंगे, मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में इनटू में होता है वहाँ जाके क्या बनता है? डिवाइड बनता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनटू में है? जब कभी भी वेरिएबल और नंबर्स, ये वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और ये सिक्स यहाँ पे नंबर है, तो जब कभी भी वेरिएबल और नंबर के बीच में कुछ भी साइन ना हो, देखो इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो वहाँ पे क्या माना जाता है? इनटू माना जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ इनटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो एक्स इक्वल टू 12 अपॉन में 6, इसको हम अगर रिड्यूस करें काटें तो कितना आ रहा है? 2। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 2। क्लियर है? आप सबको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास टी अपॉन में 5 इक्वल टू 10। क्लियर? अब मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर डिवाइड में होगा वहाँ जाके क्या बन जाएगा? इनटू। तो यहाँ पे ये 5 जो है टी के डिवाइड में है, तो वहाँ जाके ये इनटू बन जाएगा, तो यहाँ टी इक्वल टू 10 इंटू 5 क्या आ रहा है फिर? टी इक्वल टू 50। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? टी की वैल्यू हमारी 50 आ रही है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करें, मैं यहाँ पे सीधे करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो इसके बीच के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन में 15। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को हमेशा अकेला छोड़ना है। तो देखते हैं, ये सब मटेरियल जो है यहाँ पे ये सब मुझे उधर ले जाना है। तो एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू 7 अपॉन में 15, जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, ठीक है। तो एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू, इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 15, तो इसको 15 बनाने के लिए मैं 1 का इंटू करूँगा, तो यहाँ भी 1 का, तो 7 1 जा 7। इसको 15 बनाने के लिए कितने का इंटू करूँ बताओ? इसको 15 बनाने के लिए करूँगा मैं 15 का इंटू, तो यहाँ पे अगर मैं 15 का इंटू कर दूँ यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 1 15 1 जा 15। क्लियर? अच्छा, एक्स अपॉन में 3 इक्वल 15 में से 7 गया तो 8, और माइनस का 8 आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस का 8? क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जो 3 है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। तो उसके बाद का स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू -8 अपॉन 15, तो पहले से ही था ये यहाँ डिवाइड में, तो वहाँ जाके इनटू, तो ये इनटू चल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 3 से मैं इसको काटना चाहूँ तो 5 से काट सकता हूँ, तो -8 अपॉन में 5 ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में जो भी क्वेश्चंस करवाने लायक थे वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद घर में ट्राई करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, सॉरी 2.2, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़े हैं बहुत इजी हैं, और आप उनको खुद अप्लाई करें, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2
टू देखते हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपके लिए जी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि किसी नंबर से अगर मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँ और जो उससे रिजल्ट आता है उसमें फिर 1/2 का इंटू करूँ, तो जो मेरा आंसर है वो 1/8 आ जाता है। तो देखते हैं, माना मुझे वो नंबर पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लेट नंबर इक्वल टू एक्स। मानो नंबर एक्स है जिसके साथ हो, जिसमें से माइनस 1/2 माइनस किया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। उन्होंने कहा कि इस नंबर से 1/2 को माइनस किया जाता है, तो इस नंबर से 1/2 को माइनस किया जाता है और जो आंसर आता है इसमें से 1/2 माइनस कर दिया, और जो आंसर आता है उसमें फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो हमारा आंसर है वो 1/8 आता है। तो देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका इंटू यहाँ कर दूँ, इसका तो एक्स का इंटू 1 के साथ करूँ तो एक्स अपॉन में 2, फिर इसका इंटू यहाँ भी होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है, जहाँ तक ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबके साथ 1/2 का इंटू होगा, तो 1/2 का इंटू यहाँ करूँगा तो एक्स बाई टू, इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 1/4 इक्वल टू 1/8। अब जो चीज़ यहाँ माइनस है वहाँ जाके क्या बन जाएगी, प्लस, तो हमारे पास आ रहा है एक्स बाई टू इक्वल टू 1/8, और ये माइनस है वहाँ जाके प्लस का, ठीक है। अब देखो दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों का एलसीएम लेने से मेरा एलसीएम आ रहा है 8। इसको 8 बनाने के लिए 1 का इंटू करना पड़ेगा तो यहाँ भी 1 का 1, इसको 8 बनाने के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 का, तो 2 यहाँ पे एक्स बाई 2 अभी भी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास आ रहा है एक्स बाई 2 इक्वल टू कितना रहे, 2 और 1 3, 3/8। अब देखिए जो चीज़ यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके क्या बन जाएगी, इंटू, तो 3/8 इंटू 2। अब चाहे आप तो इस 2 से 8 को काट सकते हैं, तो ये आ गया 4, तो एक्स इक्वल टू 3/4, तो इसका मतलब जो नंबर था वो क्या था, 3/4, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चंस आप नोट करें वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 2.2 का है, ठीक है। इसमें अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अगर किसी स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो अगर 154 मीटर है और उसकी जो लेंथ है वो, तो जो इसका पेरीमीटर है 154 मीटर दे रखा है और उसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, ठीक है। तो एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगुलर है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। अच्छा, उसने कहा कि उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, उसकी ट्वाइस से 2 ज़्यादा। तो अगर मैं इसकी ब्रेथ को एक्स मान लूँ तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2x+2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो इससे डबल से 2 ज़्यादा, तो इसका डबल हो गया 2x और उससे 2 ज़्यादा
टू, ठीक है। अच्छा, और उसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो 154, तो पेरीमीटर जो दे रखा है, पेरीमीटर वो दे रखा है 154 मीटर। चलो देखते हैं, हमें पता है कि जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L+B। तो पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर यहाँ पे कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 154 इक्वल टू, टू लेंथ है मेरे पास 2x+2 और ब्रेथ की जगह दे रखा है x, ठीक है। उसके बाद 154 इक्वल टू टू और 2x, 2x और x कितना हो गया यहाँ पे दोनों ऐड करके 3x+2। चलो देखते हैं, 154 इक्वल टू, इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 6x, इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 4, तो हमारे पास आ रहा है 154 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे जो ये 4 है यहाँ प्लस में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 4 यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ बच जाएगा 6x, तो इसमें से माइनस करूँगा तो 150 इक्वल टू 6x। अब देखते हैं, तो 150 इक्वल टू 6x था, तो यहाँ x हो जाएगा, जो यहाँ इंटू होते हैं वहाँ जाके डिवाइड, तो इसका हम अगर डिवाइड करें इसमें तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। आप चाहें तो इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने इसमें डिवाइड किया तो 25 आ गया, तो इसका आंसर आया 25 मीटर। जो हमारे एक्स मानी थी हमने, वो क्या मानी थी, ब्रेथ को माना था, तो ब्रेथ हो गई 25 मीटर। अब हमें लेंथ पता है, तो लेंथ जो निकालूंगा मैं, लेंथ वो क्या है, इसकी डबल से दो ज़्यादा, तो इसका डबल हो जाएगा 50, तो 50 से दो ज़्यादा 50, इसका इससे दो ज़्यादा हो जाएगा 52 मीटर। क्लियर। आप चाहें तो इसको बार बार देख सकते हैं, उससे जो है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसको पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 4.3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है मेरे पास। आइसोसेलिस ट्रायंगल आप सब लोगों को पता होगा कि आइसोसेलिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और उसका जो बेस दे रखा है वो दे रखा है 4/3। तो ये तो मुझे पता नहीं, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ और इसको भी एक्स मानूंगा। दोनों को मैंने एक्स इसलिए माना है क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, उसकी दो साइड को इक्वल मानना पड़ेगा, ठीक है। अब पेरीमीटर जो है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल उसका होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सारी साइड्स का मुझे क्या करना है, सम करना है, तो 4/3, फिर ये एक्स और फिर ये एक्स, ठीक है। तीनों को मैंने ऐड करके पेरीमीटर, और पेरीमीटर मुझे दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 होल 2/15 इक्वल टू 4/3 प्लस एक्स, तो एक्स मिल के कितने हो गए 2x। इसको थोड़ा ये मिक्स्ड में है, तो इसको मैं इम्प्रॉपर में चेंज करता हूँ, 15 4 जा 60 और ये 62, 62/15 इक्वल टू 4/3 प्लस का 2x। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 62/15 -4/3 इक्वल टू 2x। अब देखो दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पर, तो दोनों का एलसीएम आ रहा है 15, ठीक है 15,
15 को 15 बनाने के लिए 1 का इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 का 62। अच्छा 3 को 15 बनाया तो 5 का करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करूँगा 5 का, 4 5 जा 20, और यहाँ अकेला बच रहा है 2x। अच्छा 62 में से 20 गया तो 42, 42 अपॉन में 15 इक्वल टू 2x। अब देखें जो चीज़ यहाँ इनटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है 42 अपॉन में 15, और इसमें 2 नीचे आ जाएगा उसके, क्यों? क्योंकि जो चीज़ यहाँ इनटू होती है वहाँ जाके डिवाइड जाना था, तो ये 15 के साथ आ गया, तो इससे मैं इसको काट रहा हूँ, ये आ रहा है 21, 21 अपॉन में 15x इक्वल। चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो ये आ रहा है 7 अपॉन में 3 से काट रहा हूँ मैं, तो 7 अपॉन में 5। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो ये साइड्स की जो वैल्यू आई है वो आई 7 अपॉन में 5। ठीक है, बेस तो हमें पता ही था ही, तो हमें जो आंसर आया वो किसकी वैल्यू आई है 7 अपॉन में 5, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन है कि अगर दो नंबर्स का जो सम है वो 95 है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है तो बताओ कि वो नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th है। अब हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट लेट नंबर इक्वल टू एक्स, तो पहला नंबर ये हो गया, तो सेकंड जो नंबर होगा, सेकंड नंबर वो हो जाएगा उससे 15 ज़्यादा, तो इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 15। ठीक है, पहला नंबर एक्स हो गया और दूसरा नंबर एक्स प्लस 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि दोनों नंबर का जो सम है वो 95 आ रहा है, तो एक्स प्लस 15, मतलब पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, इन दोनों को ऐड करके 95 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्स 2x और प्लस का 15 इक्वल टू 95। अच्छा जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू, तो यार 80। जो चीज़ यहाँ इंटू होती है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू 80 अपॉन में 2, और इसको काट के कितना आ जाएगा 40। तो जो मेरा पहला नंबर है, जो मेरा पहला नंबर है फर्स्ट नंबर, वो आ जाएगा 40, और जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा मेरा कितना 40 प्लस 15, 55, ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, दो नंबर का सम जो है 95 दे रखा था, और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा था, इसलिए हमने इसके साथ एक्स प्लस 15 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो बाकी क्वेश्चन तो आपकी आपकी एनसीईआरटी बुक में है ही, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और बाकी सॉल्यूशन आप
यहाँ से देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन ए रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाई 18, वट आर द नंबर्स। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मेरे पास दो नंबर हैं, उनके बीच का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:3। तो कोई भी अगर रेशियो में दिया हो, कोई भी क्वांटिटी का रेशियो में दिया हो, उसको जो है नंबर बनाने के लिए उसके साथ एक वेरिएबल को लगा दिया जाता है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो पहला जो था मतलब रेशियो था मेरे पास 5:3, तो जो पहला नंबर हो जाएगा वो 5x हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा मेरे पास 3x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 18 है। ठीक है, तो देखते हैं वो नंबर कौन कौन से हैं। 5x में से 3x चले गए तो मेरे पास 2x बचेंगे। अच्छा, जो चीज़ यहाँ इनटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 18 अपॉन में 2, और इसको काट के आ रहा है कितना, 9। जो ये x की वैल्यू है, ये अभी नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यूज़ आई हैं। तो इनको अगर मैं यहाँ पे रखूँ, फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 5x थी, तो इसका मतलब 5 × x की जगह 9, तो ये आ रहा है 45। तो पहला नंबर 45 रहा होगा। सेकंड नंबर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सेकंड नंबर की वैल्यू थी 3x, तो 3x थी तो क्या हो जाएगा, 3 × x, x की जगह 9, तो 3×9=27। ठीक है, तो 27 आ रही है पहली पहली क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है 45, दूसरे की 27। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेरीज हैं वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।